उन्होंने ये कहा कि मियां साहब आप भी तशरीफ लाएं, बाकी सब लोग भी आएं, मिलके जिद्दोजहद करते हैं। तो जिस पे मैंने बहुत अदब के साथ उनसे ये कहा कि मियां साहब को वापस लाना, उनकी जिंदगी को कातिलों के हवाले करने के मुतरादिफ होगा, जो ना मुस्लिम लीग नून के जो ऑफिस होल्डर्स हैं, जितने लीडर्स हैं, ना वो चाहते हैं, ना मुस्लिम लीग नून की वोट बैंक चाहती है कि मियां साहब की जिंदगी को कोई खतरा हो, ना ही पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम की इन्वेस्टमेंट होती है लीडर्स के अंदर, जो कि दहाइयों पर मबनी होती है, और हमें जिंदा लीडर्स चाहिए, हमें लीडर्स की लाशें नहीं चाहिए, हमें लीडर्स का कत्ल नहीं चाहिए, हमें जिंदा लीडर्स चाहिए। और मैंने जरदारी साहब से ये भी क्योंकि छोटी हूँ तो बड़ी अदब से अर्ज किया कि मियां साहब की जो स्ट्रगल है, मियां साहब की जो कुर्बानियां हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। इस जालिमाना और इंतकाम आना दौर के अंदर जितनी सख्त जेल और सबसे लंबी जेल, आप जरा काइंडली चुप करके बात सुनेंगे प्लीज, तो सबसे सख्त जेल और सबसे लंबी जेल मियां साहब ने काटी है। मियां साहब अपनी बीमार और बिस्तर मर्द पर जो अहलिया थी उनको छोड़कर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर, ये जानते हुए भी कि ये इंतकाम था और ये एक झूठे मुकदमे में उनको झूठी सजा हुई थी, लेकिन वो पाकिस्तान वापस आए, जेल काटी, बहादुरी से काटी, जेल में उनको हार्ट अटैक्स हुए, बहादुरी से उन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन इस हुकूमत के हाथ पांव तब फूले जब उनकी जिंदगी खतरे में आ गई। उन्होंने ये कहा कि मियां साहब आप भी तशरीफ लाएं, बाकी सब लोग भी आएं, मिलके जिद्दोजहद करते हैं। तो जिस पे मैंने बहुत अदब के साथ उनसे ये कहा कि मियां साहब को वापस लाना, उनकी जिंदगी को कातिलों के हवाले करने के मुतरादिफ होगा, जो ना मुस्लिम लीग नून के जो ऑफिस होल्डर्स हैं, जितने लीडर्स हैं, ना वो चाहते हैं, ना मुस्लिम लीग नून की वोट बैंक चाहती है कि मियां साहब की जिंदगी को कोई खतरा हो, ना ही पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम की इन्वेस्टमेंट होती है लीडर्स के अंदर, जो कि दहाइयों पर मबनी होती है, और हमें जिंदा लीडर्स चाहिए, हमें लीडर्स की लाशें नहीं चाहिए, हमें लीडर्स का कत्ल नहीं चाहिए, हमें जिंदा लीडर्स चाहिए। और मैंने जरदारी साहब से ये भी क्योंकि छोटी हूँ तो बड़ी अदब से अर्ज किया कि मियां साहब की जो स्ट्रगल है, मियां साहब की जो कुर्बानियां हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। इस जालिमाना और इंतकाम आना दौर के अंदर जितनी सख्त जेल और सबसे लंबी जेल, आप जरा काइंडली चुप करके बात सुनेंगे प्लीज, तो सबसे सख्त जेल और सबसे लंबी जेल मियां साहब ने काटी है। मियां साहब अपनी बीमार और बिस्तर मर्द पर जो अहलिया थी उनको छोड़कर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर, ये जानते हुए भी कि ये इंतकाम था और ये एक झूठे मुकदमे में उनको झूठी सजा हुई थी, लेकिन वो पाकिस्तान वापस आए, जेल काटी, बहादुरी से काटी, जेल में उनको हार्ट अटैक्स हुए, बहादुरी से उन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन इस हुकूमत के हाथ पांव तब फूले जब उनकी जिंदगी खतरे में आ गई। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।